हमारी मेंटल हेल्थ का सही होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी फिजिकल हेल्थ का सही होना। थेरेपी रूम के सीक्रेट से भरी हुई ये हमारी मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक जरूरी हैंडबुक है। डॉक्टर जूली की सिंपल लेकिन एक्सपर्ट एडवाइजेस और पावरफुल टेक्निक्स आपको हर चीज का सामना करने में मदद करेंगी, चाहे लाइफ आपके रास्ते में कुछ भी दे। एंजाइटी को मैनेज करने, क्रिटिसिज्म से डील करने या खराब मूड से लड़ने, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने, मोटिवेशन को पाने या अपने आप को माफ करने के लिए सीखने तक, ये बुक रोजमर्रा के उन मुद्दों से डील करती है जो हम सभी को इम्पैक्ट करते हैं और आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर बुक के बारे में, जिसे डॉक्टर जूली स्मिथ ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये फील हुआ कि ये किताब मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ही महसूस होगा। 1994 की फिल्म द मास्क में हीरो जिम कैरी स्टैनली नाम के एक बैंकर की भूमिका निभाते हैं। वो एक लकड़ी का मुखौटा पहनते हैं जिसे गॉड लोकी ने बनाया था। जब वो इसे पहनते हैं तो ये अपने आप उनके सर को आगे पीछे करने लगता है, जिससे उनके काफी सारे मूव्स अफेक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर उस मुखौटे की तरह बन जाता है और वो दुनिया को उस मुखौटे में लगे लेंस के थ्रू देखते हैं। अब हीरो दुनिया को वैसे ही देख पाता है जैसा उस मुखौटे में से दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज के बारे में नजरिया बदलने का कोई तरीका नहीं होता है। इसी तरह जब हम उदास महसूस करते हैं तो इस तरह के कुछ विचारों के जाल में फंस जाते हैं। माइंड बॉडी में इमोशन से होने वाले सेंसेशन से ये महसूस करता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा कई रीजन से होता है। इससे पहले कि आप इसे जान पाएं, ये इमोशंस और थॉट्स आपके आसपास नेगेटिव और सेल्फ रिग्रेट के विचारों से भर देते हैं। आपके आसपास ऐसे नेगेटिव इमोशंस का झुंड घूमने लगता है। अगर आप उन थॉट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं और अपने मूड को लो महसूस करवाने लगते हैं। इस सिचुएशन से डील करने के लिए कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन एंड में इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स और उनका मूड पर होने वाले इफेक्ट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें और समझकर रिस्पॉन्स करें। शुरुआत में इसे कंट्रोल करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखें इंसान बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारे पास क्रिएटिव थॉट्स सोचने की कैपेसिटी और यूनिवर्सल पावर से कनेक्शन है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एम्पावर होना महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप किसी चीज से अचानक ही कंट्रोल या इंस्पायर होने की बजाय ये ऑप्शन चुनते हैं कि उनको कैसे रिस्पॉन्ड करें। ऑथर इसे मेटाकॉग्निशन मेथड कहते हैं। मेटाकॉग्निशन थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे इस बारे में अवेयरनेस बढ़ती है कि कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो आपको कैसा महसूस करवा रहे हैं। आप कुछ मिनटों के लिए रुककर ये देख सकते हैं कि आपका मन कहां भटकता है। आप किसी विचार पर ध्यान देने का ऑप्शन इस तरीके से चुन सकते हैं। ऐसा करने से आप किसी थॉट पर कॉन्शियसली ध्यान भी दे सकते हैं या उसे जाने भी दे सकते हैं और बिना कोई इमोशन जुड़ाव लगाए उसे बस देखते रहें। ध्यान रखें कि थॉट की पावर इस बात में होती है कि आप उस पर कितना ध्यान देते हैं और आप उसे कितना सच और वैलिड मानते हैं। जब आप इस तरह से अपने थॉट्स और इमोशंस को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो उनके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि कौन से यूजफुल हैं और कौन से यूजलेस हैं। आइए ये समझते हुए शुरू करें कि केवल कुछ ही विचार सच होते हैं जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, डिसीजन, मेमोरीज और प्रिंसिपल का मिक्सअप होता है, जिनसे हम दुनिया को समझते हैं और उसके बारे में अपना नजरिया बनाते हैं। दिमाग का काम आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी बचाना है। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट लेता है और हर टाइम अजम्पशन और भविष्यवाणी करता है। ऐसे में माइंडफुलनेस आपके विचारों के ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करने और उस मेंटल मसल को मजबूत करने के लिए एक अच्छा मेथड है, जो आपको सिर्फ एक थॉट को नोटिस करने और उस पर टिके रहने का ऑप्शन चुनने की परमिशन नहीं देता है, बल्कि अपने मनचाहे थॉट को कॉन्शियसली सोचने का ऑप्शन देता है। इस बुक में हम इसी माइंडफुलनेस तरीके के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अपने लो मूड को कैसे समझा जाए। मूड फ्लक्चुएशन एक जनरल सी बात है। कोई भी हर टाइम खुश नहीं रह सकता। हमारी खुशी और दुख इमोशन से जुड़े होते हैं और इमोशंस ब्रेन के फ्लक्चुएशन से, यानी कि आपके माइंड में चल रहे थॉट्स इमोशंस को इफेक्ट करते हैं और उनसे खुशी या दुख वाली कंडीशन डिसाइड होती है। अगर आप इस तरह सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो इसका असर इमोशंस पर पड़ेगा और आप सैडनेस या लो मूड फील करने लगेंगे। सैडनेस की वजह से हमारी एनर्जी कम होने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप दोस्तों से अलग या अकेले रहने की कोशिश करने लगेंगे। अपने गोल के लिए काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे, जिससे आप एंड में फेल हो सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नेगेटिव फीलिंग से जस्ट पहले आप किस बारे में सोच रहे थे, नेक्स्ट टाइम से उस थॉट को किसी भी पॉजिटिव थॉट से बदल दें। उस टाइम आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे थे, नेक्स्ट टाइम से कॉन्शियसली पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीजों पर फोकस करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इमोशन से ये पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं
उन बातों को सोचें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। अक्सर लोग ज्यादा सोचने की वजह से परेशान होने लगते हैं। ऑथर इन्हें बाइस्ड थॉट कहते हैं। जनरली इंसान इस तरह के बाइस थॉट को सोचते हैं, जैसे कि माइंड रीडिंग, जब आप बिना किसी फैक्ट को जाने ये अंदाजा लगाते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आज उन्होंने मुझसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि वो सच में क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या उन्हें कोई काम है या सच में वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओवर जनरलाइजेशन, जब आप एक बार किसी बात के सच साबित हो जाने के बाद जनरली अगली बार दूसरी सिचुएशन में भी उसी तरह से सोचते हैं, जैसे कि क्योंकि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया हूँ इसलिए अब मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्जाम में फेल होने के रीजंस को समझें और उनमें सुधार करते हुए आगे एक्शंस लें। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, जब आप ये अंदाजा लगाते हैं कि दूसरे इंसान के पास आपकी जैसे ही वैल्यूज और नजरिया है, इसलिए उसके बिहेवियर को अपने बिहेवियर के नजरिए से देखना कि जैसा मैं करता हूँ दूसरा इंसान भी वैसा ही करता होगा, जैसे कि आज मैं उनके इंतजार में लेट नहीं होऊंगा क्योंकि वो भी तो मेरी इतनी केयर नहीं करते। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिना जाने दूसरों के बारे में अपना नजरिया ना बनाएं, बल्कि उनकी कंडीशंस को समझें। इमोशनल रीजनिंग, जब आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ इसलिए ये ठीक है, जैसे कि मैं गिल्टी फील करता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं खराब पेरेंट हूँ। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए सच्चाई को समझें कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं क्या सच में वैसा ही है या फिर रियलिटी कुछ और ही है। मस्ट एंड शुड्स, जब हम रियलिस्टिक पोटेंशियल और गोल से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, जैसे कि मुझे हर दिन परफेक्ट ही दिखना है, मुझे हर दिन सबसे बेस्ट ही करना चाहिए। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्किल्स और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उम्मीद लगाएं और गोल्स बनाएं। छोटे से शुरुआत करें और एक एक करके बड़े गोल्स को हासिल करने की उम्मीद लगाएं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, जब हम एब्सोल्यूट्स या एक्सट्रीम पाने के बारे में ही सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं 100% हासिल नहीं कर पाता हूँ तो इसका मतलब मैं फेलियर हूँ, अगर मैं परफेक्ट नहीं बना तो मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयारी और परफॉर्मेंस में भी अपना बेस्ट दें और बदले में मिलने वाले रिजल्ट से खुश रहें, लेकिन सेटिस्फाइड ना हों। इसका मतलब है कि अपने आज के रिजल्ट से बेटर पाने की कोशिश करते रहें। अब हम मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी फीलिंग जिसमें आप कुछ भी करने के लिए एक्साइटेड हो जाएं, उसे मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन किसी को भी जन्म से नहीं मिलता है, ना ही ये एक बार मिलने के बाद हमेशा के लिए बना रहता है। ऑथर कहते हैं कि परमानेंट मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए जरूरी कैपेसिटी को डेवलप करते रहें, भले ही कभी आपका मन ना भी करे और थकावट महसूस हो, ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहे, क्योंकि ताकत से ही मोटिवेशन आता है। इसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करें, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ टाइम का तो रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफ स्ट्रेस और चुनौतियों से भरी हुई बन जाती है। परमानेंट मोटिवेशन का दूसरा तरीका है उन कामों को चुनें जिन्हें करने में मजा आता है, क्योंकि अगर आप ऐसे काम नहीं करते हैं जिनसे सेंस ऑफ प्लेजर नहीं मिलता है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आप लो मूड और डिप्रेशन फील कर सकते हैं। इसलिए अपने पैशन के काम को करने को प्रायोरिटी दें और उसमें बेस्ट बनने के लिए एफर्ट करते रहें। अगर किसी काम से आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं तो इस बात का इंतजार ना करें कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तभी शुरू करेंगे, बल्कि अभी से शुरू कर दें। जैसा कि हमने पहले जाना कि फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं और बिहेवियर से हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। अपनी फीलिंग्स को मोटिवेट रखकर आप मोटिवेट होकर एक्शन ले सकते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। मूविंग बॉडी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने वाली एक्टिविटीज करें, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बढ़ने लगता है और बॉडी सेल्स एक्टिव होने लगते हैं। स्टेइंग कनेक्टेड विद द गोल, अपने गोल से जुड़े रहने के लिए इसके बारे में सोचें, महसूस करें कि आप उसे अचीव करने के बाद अपनी मनचाही लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। गोल के बारे में अपने आप से पॉजिटिव बातें करें और एक विजन बोर्ड बनाएं, उस पर अपने गोल की फोटो चिपका दें और बोर्ड को ऐसी जगह लगाएं जहां बार बार आपकी नजर जाती हो। कीप इट स्मॉल, शुरुआत में ही बहुत बड़े या अनरियलिस्टिक गोल को अचीव करने की उम्मीद करने की गलती ना करें, बल्कि बड़े गोल्स को अपनी स्किल्स, कैपेसिटी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दें। इस तरह के करके छोटे से बड़े गोल की तरफ बढ़ें। रेजिस्टिंग टेम्पटेशन, ये फैक्ट है कि गोल के बीच में थकावट होगी और उस टाइम कुछ और करके थोड़ा चिल करने का मन करता है। ऐसे में लोग थोड़े टाइम के रेस्ट में ज्यादा टाइम गवा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार मेन गोल के लिए काम करने का टाइम हाथ से निकल जाता है और कई बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले कामों में लग जाता है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने काम को इस तरह से करें ताकि उसे करने में मजा आए। चेंज योर रिलेशनशिप विद फेलियर,
फेलियर को डिमोटिवेट करने वाले फेस के रूप में नहीं बल्कि एक लर्निंग स्टेज की तरह देखें और इम्प्रूवमेंट के जरूरी एस्पेक्ट्स को समझकर उनमें सुधार करें। नेक्स्ट टाइम से ऑब्जर्व करें कि फेल होने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले किस तरह के थॉट्स आए, कैसे इमोशंस आए और आपने कैसा रिस्पॉन्स किया। अब समझते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे समझें। इमोशंस कभी भी हमारे दोस्त या दुश्मन नहीं होते, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हमारे रिस्पॉन्स से डिसाइड होता है कि कोई इमोशन यूजफुल है या यूजलेस। इमोशन अक्सर तब नेगेटिव असर डालने लगते हैं जब आप बिना सोचे समझे उन पर विश्वास करने लगते हैं या इमोशंस को बिना समझे रेसिस्ट करने लगते हैं। इमोशन को रेसिस्ट करने से ये और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनने लगते हैं। इसलिए इमोशंस पर ना तो बिना सोचे समझे विश्वास करें और ना ही उन्हें रेसिस्ट करें, क्योंकि इमोशंस फैक्ट्स भी हो सकते हैं और मिसकंसेप्शंस भी। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी पेनफुल इमोशन में हो तो क्यूरियस बने और अपने आप से सवाल पूछें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए अपने इमोशंस को ऐसे ही आने जाने ना दें, बल्कि उन्हें समझें। इमोशंस को देखना कि वो कैसे हैं, उन्हें समझकर एक हेल्दी इमोशन में बदलने की की है। आप अपनी फीलिंग्स नहीं हैं और आपकी फीलिंग्स भी हमेशा आपकी नहीं होती हैं। हर इमोशन आपके मूव करने से होने वाले सेंसेशन से होता है। हर इमोशन आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरी स्टोरी बताए। अगर कोई इमोशन यूजफुल होता है तो वो इशारा देता है कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से फीलिंग को बिना ब्लॉक या पुश किए ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो आप इन्हें क्यूरियोसिटी में बदल सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। आप जब भी कुछ महसूस करें तो उसे एक नाम दें। अलग अलग तरह के इमोशंस के लिए अलग अलग तरह के नाम सीखें। हम सिर्फ खुश, दुखी, डरे हुए या गुस्सा होने वाले इमोशंस को फील नहीं करते हैं। हम कई अलग अलग तरह के शाय, ग्रेटफुल, एक्साइटेड इमोशंस को भी फील करते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए नोटिस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे आप अपने शरीर के किस हिस्से में फील कर रहे हैं और इसे नाम दें। लोग जनरली फिजिकल सेंसेशन के इमोशन को पहचान लेते हैं लेकिन इमोशन को नाम नहीं दे पाते। एग्जाम्पल के लिए, अक्सर लोग इनसिक्योरिटी और कमजोर महसूस करने की वजह से बीमार हो जाते हैं, लेकिन पूछने पर आपको बताएंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नाम ना देने से आप इमोशन की वजह से होने वाली परेशानी या खुशी की जड़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाएं और नेगेटिव इमोशंस को सूदिंग करें। इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। एक ग्लास गर्म पानी पिएं, किसी ट्रस्टफुल दोस्त के साथ बात करें, फिजिकल मूवमेंट करें, कामिंग म्यूजिक सुने, सुंदर इमेजेस देखें, स्लो ब्रीदिंग करें, रिलैक्सेशन करने के लिए मेडिटेशन करें, जो परफ्यूम आपको पसंद है उसे लगाएं और उसकी खुशबू को एंजॉय करें। सेंस ऑफ स्मेल अपने दिमाग को ये बताने का आसान तरीका है कि मैं सिक्योर और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कोई ऐसा सेंट ढूंढें जिसे लगाने से आप सेफ्टी और कंफर्ट महसूस करते हों। ये परफ्यूम आपके लविंग पार्टनर का हो सकता है या फिर ऐसी जैसे खुशबू आप शांत माहौल में महसूस करते हैं। इसे लगाने से एक ही टाइम में आप अपने माइंड और बॉडी को काम कर सकते हैं। अब बारी है अपने दुखों को समझने की। हम अक्सर दुख शब्द को किसी अपने के चले जाने के टाइम शॉक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो मुझे बताते हैं कि वो लाइफ में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो दुख से परेशान रहे हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते और आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वो कहीं फेल ना हो जाएं, लेकिन दुख ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। जब हम किसी ऐसे इंसान या किसी चीज के नुकसान को फील करते हैं जिससे हम प्यार करते थे या जिसकी हमें जरूरत थी, जिससे जुड़ा हुआ महसूस होता था और जो हमारे जीवन में मीनिंग रखता था, तो दुखी होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी सिचुएशन में दुख काफी तकलीफ देने वाला लग सकता है। ऐसे में एक इंसान होने के नाते कई लोग दुख को तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं और गलती कर बैठते हैं। लोग जितना हो सकता है दर्द को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब हम एक फीलिंग को अपने से दूर करते हैं तो उससे जुड़े अच्छे पलों को भी दूर कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते। इसलिए लोग ऐसी सिचुएशन में सुन पड़ जाते हैं और लगता है कि अब लाइफ में कोई मीनिंग नहीं बचा है। ड्रिंक करके लोग अपने आप को सुन कर लेते हैं ताकि जो कुछ हुआ उसे अपनाने से इमोशनली बच सके। इससे आपको कुछ टाइम के लिए लग सकता है कि आप परेशानी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन होश में आने पर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं और डिप्रेशन या सुसाइड तक जा सकते हैं। इसलिए अपने दुख को नकारना और उसे दूर धकेलना सेल्फ सिक्योरिटी के लिए ठीक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका अपोजिट हो सकता है। जरा सोचिए, ये सब कहने में इतना आसान नहीं लग रहा है तो जीने में कितना मुश्किल होगा। जब हम दर्द को रोकते हैं तो अच्छे रीजंस के लिए रोकते हैं। दुख का सागर जितना गहरा है उतना ही बड़ा भी है, इसलिए कभी ना खत्म होने वाला लगता है। ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं, आप ये समझकर शुरुआत कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से आगे लाइफ में क्या उम्मीद की जाए। क्या इसे याद करने से हर बार दुखी हुआ जाए या फिर इसे एक सीख के तौर पर याद किया जाए। इसे एक मोटिवेशन के तौर पर याद किया जाना चाहिए। ऐसा करके आप दुख के उस सागर को पार करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। इसके लिए आप इससे जुड़े मोटिवेशन और सीख को महसूस करें।
कुछ टाइम के लिए शांत बैठ जाएं, सांस लें और उस इमोशन से रिलेटेड जो पॉजिटिव इमोशन आपने बनाया है, अपने आप को उसके साथ जीता हुआ महसूस करें। ऐसा करने से दुख गायब होने लगता है और मोटिवेशन बढ़ने लगता है। इसके बाद अपने प्रेजेंट टाइम में वापस से आएं और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़ जाएं। अब दुख के स्टेजेस को समझते हैं। डिनायल और शॉक आपको दुख से निपटने और सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रियलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इस नजरिए के साथ आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के साथ नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपको पुराने दुख से दूर होने और नए माहौल को एक्सपीरियंस करते हुए नए इमोशंस को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपनी मनचाही चीज के चले जाने से गुस्सा हो सकते हैं या बार्गेनिंग कर सकते हैं या जरूरत से ज्यादा परेशान होकर डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आखिर में इसे एक्सेप्ट करना ही है। इसलिए तो ऑथर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब हम दुख पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय उसे थोड़ा टाइम और स्पेस देते हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा लायक बनने की शुरुआत करने लगते हैं और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव पार्ट प्ले करने लगते हैं। एक्सेप्टेंस के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिचुएशन को मान लेना और उसे पसंद करना, जो कि सही नहीं है। एक्सेप्टेंस में नई रियलिटी को पूरी तरह से नहीं अपनाया जाता है। ये बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन इसे अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी जरूरतों को समझते हैं और नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होने लगते हैं। अब ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल से कैसे डील करें। अपनी सेल्फ वर्थ को जाने, क्योंकि सेल्फ वर्थ की सेंस को मेंटेन करके आप क्रिटिसिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक से सीखने के लिए ओपन रहें, वो आपको प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में क्लियर रहें कि कौन से ओपिनियंस आपके लिए मैटर करते हैं और क्यों, ताकि ये समझना आसान हो जाए कि कब रेस्पॉन्स करना है और कब सीखकर आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। कई लोग जो दूसरों के साथ क्रिटिकल होते हैं, वो अक्सर अपने साथ भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि इससे वो सबकॉन्शियसली एक वे ऑफ बिहेवियर सीखते हैं। इसलिए दूसरों से जैसा बिहेव करते हैं वैसा अपने आप से करने लगते हैं। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें अच्छे और इंस्पायरिंग लगते हैं। ये आपका कोई क्रिएटिव वर्क, फिजिकल अपीयरेंस या स्किल हो सकती है। कोई भी चीज जिसे आप अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ते हैं कॉन्फिडेंस को जन्म दे सकती है। सेल्फ वर्थ की भावना को बनाने और बनाए रखने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि इंसान के रूप में हमारी सेल्फ मिस्टेक्स फ्री रहने पर डिपेंड नहीं होती है। इसलिए उनसे सीखें। किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो सिंपैथी के साथ रिस्पॉन्स करता है, हमें शर्म को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने में मदद करता है। अब ये समझते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप इसके बिना रहने को तैयार ना हो। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए वहां जाएं जहां आपके आसपास कोई ना हो। वहां हर दिन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बातों को दोहराएं और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप होते हुए विजुलाइज करें। नई नई जगह पर जाएं और नए लोगों से मिलें, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्लेस स्पेसिफिक होता है। इसलिए जब आप घूमते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अपनी सबसे खराब कंडीशन से खुद को अचानक से बहुत अच्छी कंडीशन की तरफ ले जाने की उम्मीद ना करें, बल्कि शुरुआत छोटे बदलावों से करें। रास्ते में अपने खुद के कोच बने और अपनी स्किल्स और अच्छाइयों के लिए खुद को अप्रिशिएट करें। चिंता या घबराहट को गायब करना अनकंफर्टेबल लग सकता है। डर से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। डर से डरकर भाग जाने और बचने से सिर्फ कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में चिंता को बढ़ाता है। इसलिए डर को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करें। जो चीजें हमें अपने डर से कुछ टाइम के लिए रिलीफ देती हैं, वो लॉन्ग टर्म में उस डर को बढ़ाती हैं। हर बार जब आप डर के कारण किसी चीज को ना कहते हैं तो आप डर वाले विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं कि आपके लिए वो चीजें सिक्योर नहीं थी और उसे संभाल नहीं सकते थे। डर के कारण अपने जीवन से कुछ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कई चीजों को छोड़ने लगते हैं। इस तरह लाइफ सिकुड़ने लगती है। इसलिए इसे भगाने के लिए इसका सामना करें। स्ट्रेस के टाइम लोग अक्सर इस तरह से बिहेव करते हैं। एस्केप, चाहे कोई पर्सनल लाइफ की चिंता हो या प्रोफेशनल लाइफ की, अक्सर हम उसे तुरंत खत्म करने के लिए रिएक्ट करते हैं, जिससे चिंता और बढ़ने लगती है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले जाना कि लोग चिंता को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। एंटिसिपेशन, ये तब होता है जब आप अपनी सिचुएशन से रिलेटेड अलग अलग सबसे खराब सिचुएशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अनुमान लगाते हैं। जिस तरीके को अपनाने से वो ठीक हो गई, उसी तरह ये भी ठीक हो सकती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हर सिचुएशन अपने आप में अलग होती है, लेकिन जब इंसान दूसरी तरीके से अपनी सिचुएशन के ठीक होने की उम्मीद करने लगता है और ठीक नहीं होती है तो चिंता और डर बढ़ने लगता है। इसलिए अपनी सिचुएशन को देखते हुए क्रिएटिव प्लानिंग करना जरूरी है। इसके लिए स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक को इस तरह से अपनाएं। किसी चीज पर अपना पूरा फोकस करें, जैसे अपने पास की खिड़की, दरवाजा, फोटो फ्रेम या कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर देखते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ सांसें लें। अपनी आंखों को उस चीज के टॉप कॉर्नर की तरफ मोड़ें
ऐसा करते हुए अपनी सांस को 4 सेकंड के लिए रोक कर रखें। जब आंखें सामान के टॉप कॉर्नर पर पहुंच जाएं, तो सांसों को बाहर की तरफ छोड़ें। ऐसा अगले 4 मिनट तक करते रहें। इस एक्सरसाइज को सामान के चारों कॉर्नर को देखते हुए करें। इसके अलावा बॉडी मूवमेंट करें, इससे आप अपनी चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो से सीखा कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। आइए अब इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अपने मूड को समझें। नेगेटिव फीलिंग से जस्ट पहले आप किस बारे में सोच रहे थे, नेक्स्ट टाइम से उस थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से बदल दें। थॉट बायस को खत्म करने के लिए रियलिस्टिक रहें। फैक्ट के साथ चीजों को जानने की कोशिश करें। अपने पैशन के काम को करने को प्रायोरिटी दें और उसमें बेस्ट बनने के लिए एफर्ट दें। अगर किसी काम से आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं, तो इस बात का इंतजार ना करें कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तब शुरू करेंगे, बल्कि अभी से शुरू करें। मोटिवेशनल फीलिंग को बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने वाली एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बढ़ने लगता है और बॉडी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जब आप किसी पेनफुल इमोशन में हो, तो क्यूरियस बने और अपने आप से सवाल पूछें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जब भी कुछ महसूस करें तो उसे एक नाम दें। नेगेटिव इमोशन को गायब करने के लिए 1 ग्लास गर्म पानी पिएं, किसी ट्रस्टफुल दोस्त के साथ बात करें, फिजिकल मूवमेंट करें, कामिंग म्यूजिक सुनें। क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए सेल्फ वर्थ को जानें, क्योंकि सेल्फ वर्थ की सेंस को मेंटेन करके आप क्रिटिसिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो सिंपैथी के साथ रिस्पांस करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब से बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी होंगी। अब इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।